Well, a very good morning to all young minds out there. Major gaming component, हमारे एक गेम में क्या होता है, जब भी आप किसी गेम के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपको आपकी गेम की स्टोरी पता होनी चाहिए, आपकी गेम की एक पैराग्राफ में या स्टेप वाइज आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, लाइक व्हाट इज योर गेम अबाउट एंड व्हाट इज योर गेम डूइंग. आपका गेम क्या कर रहा है, आपका गेम में गोल क्या है, आपके गेम के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, ये सारा कुछ आपको डिस्क्राइब करना होगा पहले अपने समझने के लिए. फाइन, दिस इज वन थिंग. सेकेंड थिंग इज, आपके गेम में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका मूवमेंट कैसे होगा, वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, दाएं बाएं जा रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, ये सारा आपको प्लान करना होगा कि कौन सा कैरेक्टर क्या मूवमेंट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कार रेसिंग गेम बना रहे हैं, देन योर कार विल मूव अहेड, योर कार विल गो लेफ्ट एंड राइट. इफ योर कार इज हिटिंग एन ऑब्स्टेकल, अगर आपकी कार का एक्सीडेंट होता है गेम में, तो वो कार कैसे पलट के अलग जाएगी. दीज आर कॉल्ड मूवमेंट. देन गेम में एक और चीज होती है, रैंडमनेस. आपने बहुत से गेम खेले होंगे, ज्यादातर गेम्स में आपने देखा होगा कि रैंडम चीजें होती हैं. जैसे अगर आप शूटिंग गेम खेल रहे हैं, एलियंस शूटिंग गेम खेल रहे हैं, तो एलियंस रैंडमली आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं. तो रैंडमनेस सीखना बहुत जरूरी है. बिना रैंडमनेस सीखे आप गेम को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते, आप गेम को चैलेंजिंग नहीं बना पाएंगे, आपका गेम बड़ा सिंपल सा बन के रह जाएगा. दूसरा होता है क्लोनिंग. क्लोन का मतलब होता है क्रिएटिंग डुप्लीकेट, डुप्लीकेट्स बनाना. तो आप क्लोन कैसे बनाते हैं, जस्ट अ मोमेंट, मेनी पीपल आर वेटिंग हियर, लेट मी टेक देम इन. वेलकम न्यू कॉमर्स, वी आर ऑलरेडी ऑन, सो प्लीज join us and continue with us. तो हम randomness की बात कर रहे थे, clones की बात कर रहे थे. clone का मतलब होता है एक ही character की कई copies बनाना. For example, अगर आप aliens बना रहे हैं तो एक alien से काम नहीं चलेगा, कई सारे aliens अगर आप बना रहे हैं. या shooting game में आपके पास bullets हैं, bullets कई सारी आपको बनानी पड़ेंगी. तो क्या होगा, आपको एक ही bullet के कई duplicates बनाते रहने पड़ेगा. जब तक आपकी shooting हो रही है, बुलेट्स डुप्लीकेट क्रिएट होते रहेंगे. सो क्लोनिंग और डुप्लीकेटिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. गॉट दिस? देन कोलिजन. कोलिजन इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट. तो आपका कोलिजन का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में टच करेंगे तो क्या होगा, या आपस में टकराएंगे, दैट इज कॉल्ड कोलिजन. अगर आपके गेम में दो ऑब्जेक्ट या दो कैरेक्टर्स आपस में टकराते हैं या एक दूसरे का रास्ता क्रॉस करते हैं, तो क्या कुछ होना चाहिए या कुछ नहीं होगा, अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, दिस ऑल यू हैव टू प्लान. तो आपने देखा गेम में प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद कैलकुलेशंस आर अगेन इंपॉर्टेंट. कैलकुलेशंस की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो, आप ये डिसाइड कर सकते हो कि स्कोर क्या है गेम का, कितनी बुलेट फायर हो गई, कितने कैरेक्टर की लाइफ कितनी बची है. तो ये सारे, स्पेशली स्कोर, जब भी यूजर आपका बनाया हुआ गेम खेलेगा तो वो कोई ना कोई स्कोर बनाने के लिए खेलेगा, तो वो स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेशंस में आएगा. और स्कोर कैलकुलेट करने के साथ आपका गेम का जीतना और हारना भी कनेक्टेड है. तो स्कोर डिसाइड करेगा कि कितना स्कोर हो जाएगा कि आपका यूजर जीता हुआ माना जाएगा या हारा हुआ माना जाएगा. तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. देन स्विच स्क्रीन. कई बार क्या होता है, आपका गेम एक स्क्रीन में चल रहा है, समथिंग हैपेंड, तो यू हैव टू चेंज द स्क्रीन. आपको स्क्रीन चेंज करना आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर गेम जीत गया तो अब आप स्क्रीन चेंज करके एक मैसेज दोगे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वॉन द गेम. या अगर वो गेम हार गया तो सॉरी यू हैव लॉस्ट द गेम. ये स्क्रीन आपके कम से कम तीन स्क्रीन तो हर गेम में होंगे, आपका मेन स्क्रीन गेम वाला, दूसरा आपका हारने पर जो आप स्क्रीन दिखाएंगे, दूसरा तीसरा आप जब यूजर के जीतने पर उसको स्क्रीन दिखाएंगे. तो ये तीन स्क्रीन आर इंपॉर्टेंट. एक चौथा स्क्रीन भी होता है जिसका मतलब है ओपनिंग स्क्रीन, जहां पे स्टार्ट बटन होगा. आप गेम के बारे में बताएंगे कि गेम किस बारे में है, उसमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी कीज इस्तेमाल करनी है और गेम का गोल क्या है, ये सब यूजर को बताने के लिए आपको स्टार्टिंग स्क्रीन भी बनाना होगा. और
स्टार्टिंग स्क्रीन में आप एक बटन देंगे स्टार्ट गेम, जैसे ही वो उस बटन पे क्लिक करेगा द गेम विल बिगिन। तो ये चार बेसिक स्क्रीन, स्टार्टिंग स्क्रीन, मेन स्क्रीन, लूजिंग स्क्रीन, विनिंग स्क्रीन, ये चार होने चाहिए। तो देन मैसेजेस, एज आई टोल्ड यू, जब आप स्क्रीन चेंज करोगे तो आपका क्या मैसेज डिस्प्ले करना है यूजर की हेल्प करने के लिए, मैसेज आप कैसे डिस्प्ले करेंगे और मैसेजेस में क्या डिस्प्ले करेंगे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एज यू सी हियर, जो गेम हम बनाने जा रहे हैं उसका, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर एक गन दिखाई दे रही है आपको, एक बुलेट दिखाई दे रही है और एक बैट दिखाई दे रहा है, एंड देयर इज अ रेड लाइन। तो हमारी गेम का स्टोरी ये है, आई टोल्ड यू दैट योर गेम स्टोरी इज इंपॉर्टेंट। सो द स्टोरी ऑफ माई गेम इज दैट कि जो गन आप देख रहे हैं वो ऊपर नीचे मूव कर सकती है, अप डाउन एरो की से गन ऊपर नीचे मूव कर सकती है। अगर मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा तो गन जो है बुलेट शूट करेगी, और रैंडमली, रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट रैंडमनेस, रैंडमली बैट क्रिएट होंगे, बैट, दीज बैट्स आर बैट क्रिएचर्स, दीज बैट्स विल बी क्रिएटेड रैंडमली और ये रैंडमली स्क्रीन पर आएंगे, और हमारा गोल है इन बैट्स को उस रेड लाइन से टच नहीं होने देना। तो गन विल मूव अप एंड डाउन एंड विल शूट द बैट, और अगर यूजर ने 5 बैट्स को किल कर लिया, अभी थोड़ा आसानी के लिए मैंने 5 पे स्कोर रखा हुआ है, यू कैन चेंज दैट, यू कैन मेक इट 50 और 100 टू मेक इट डिफिकल्ट। तो अगर यूजर ने, प्लेयर ने 5 बैट्स को शूट कर लिया तो वो जीता हुआ माना जाएगा। अगर किसी भी बैट ने रेड लाइन को पहले टच कर लिया तो प्लेयर गेम को हार जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड द स्टोरी लाइन? द गन विल शूट द बैट, द बैट विल कीप कमिंग टू टच द रेड लाइन, 5 बैट्स किल्ड यू विन द गेम, एनी बैट टचेस द रेड लाइन यू लूज द गेम। सो शैल वी बिगिन, हियर आई क्लिक। I have lost the game. I could kill only one bat. Let me start again. I want to show you both. More bat and I will. So did you see? This is the simple game flow, but this simple game will cover everything with you. Need to create any game. So let's move into creation of the game. Here we go. So as you see here, I have got some characters, the gun, the bullet, the bat and the line. These are the characters. The bat and line I have got from this library, you see. These are called sprites. The characters in Scratch are called sprites. So I can go here and I can find in the library all kind of characters are here. You see. So here I got the bat and the line. So bat and line are coming from the Scratch library. Bullet and gun I have got from somewhere else. Let me show you. As you see here, gun.png, bullet.png, these two I have got from a website, pixabay.com, P-I-X-A-B-A-Y, P-I-X-A-B-A-Y, pixabay.com. It's a very nice website where you can get free images. So here when I type gun in the search box and it shows me the pics with guns. So I go for illustrations. In illustrations category, I get various guns. You can pick the gun from here. I click on it and I right click on the image and I say save image as. When I click on save image as,
you can save it on your computer and keep it safe to use it in your game. So similarly, I got the bullet also. I typed here bullet. And I got the bullet also somewhere and I saved it. So on Pixabay.com, you can get your images which you need for a game. This is one of the websites which give you free. Aapko bilkul free images milengi. So yahan se maine, ab maine images to rakh li, inko main yahan par kaise laya? Yahan par lane ke liye maine kya kiya? Main phir se sprites mein gaya. Is bar main library mein nahi gaya. Is bar main kis mein gaya? Upload sprite. Jab main upload sprite karunga, to ye mere liye ek box open karega. यहां पर मेरी सारी इमेजेस दिख रही हैं और यहां से मैं सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करूंगा, यहां पर स्प्राइट आ जाएगा. तो दिस वे अपलोड स्प्राइट से आप इमेजेस को ला सकते हो. दिस इज डन. नाउ लेट अस सी, द गन वॉज मूविंग अप एंड डाउन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक केयर ऑफ गन, हाउ द गन इज मूविंग अप एंड डाउन. Now, before that, it is important that we understand how the game started. You must have noticed, आपने देखा होगा, game शुरू कैसे हुआ था? जब मैंने इस green flag पे क्लिक किया था, तब game शुरू हुआ था. तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक block लिया हुआ है. When green flag clicked, आप इसके color से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये block आपको कहाँ मिलेगा? Events में मिलेगा. ये देखिए, ये रहा. तो इस block को मैंने किया और अपना पूरा प्रोग्राम मैंने इस ब्लॉक में ऐड कर रखा है. तो जैसे ही मैं इस ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूंगा, ये पूरा प्रोग्राम रन होने लगेगा और गेम मेरा शुरू हो जाएगा. वेल, तो हम देखते हैं गन सबसे पहले ऊपर नीचे कैसे मूव कर रही थी. लेट अस सी, दिस इफ ब्लॉक. इस इफ ब्लॉक को देखिए, इफ का मतलब होता है आई एम डूइंग सम चेक. तो मैंने इफ की मदद से क्या किया है, मैंने लिखा है इफ की अप एरो प्रेस. की अप एरो प्रेस मतलब अगर अप एरो की प्रेस करी गई है तो गन को हम कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे. अब देखिए, गन अगर ऐसे मूव हो रही है तो ये क्या हुई, ये आपकी वाई एक्सिस हुई. यू रिमेंबर इन मैथमेटिक्स, horizontal is x axis, vertical is y axis. So gun is moving vertically. So gun का जो है y change हो रहा है. तो gun का y मैंने कैसे change किया, अगर up arrow की press हो रही है तो gun की जो भी y position है उसको by 10 बढ़ा दो, तो gun क्या करेगी, ऊपर move करना शुरू होगी. और अगर down arrow होगा तो gun का y 10 से घटा दो. So this is what I am doing here. Up arrow की मुझे कहां से मिला, ये देखिए ब्लू कलर है तो ब्लू कलर सेंसिंग में से मिला था. ये देखिए इफ की प्रेस, ये रहा, इसको मैंने इफ में लगा दिया था. ये देखिए, यहां पर हम इस तरह से इसको ड्रैग ड्रॉप करके लगा सकते हैं. ये मैंने यहां पे लगाया और यहां पे मैंने इसमें से अप एरो सेलेक्ट कर लिया है. और चेंज वाई बाई टेन, ये ब्लू कलर का डार्क ब्लू कलर है, डार्क ब्लू, ये रहा मोशन. यहां पर मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगा चेंज वाई बाय, ये रहा चेंज वाई बाय. और मैंने इसको 10 से चेंज किया हुआ है. 10 मतलब इंक्रीज बाय 10, 10 उसमें ऐड कर दो. इसी वजह से जब मैं अप एरो की प्रेस कर रहा था तो वाई 10 से बढ़ रहा था और गन ऊपर मूव हो रही थी. फाइन, अब क्या होगा, जब आप गन ऊपर मूव करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब लिमिट हो जाएगी आपके स्टेज जो है, गन वहां तक पहुंच जाएगी. अब अगर आप आप एरो की प्रेस करते रहे तो गन हो सकता है दिखने ही बंद हो जाए. तो दैट शुड नॉट हैपन. अगर एज आ गया है, एज ऑफ द स्टेज आ गया है, स्टेज का बाउंड्री आ गया है, तो गन वहां पे रुक जानी चाहिए. तो वो चीज मैंने कैसे चेक करी है, इफ टचिंग एज. टचिंग एज भी हमारे पास लाइट ब्लू कलर सेंसिंग ब्लॉक में टचिंग करके एक ब्लॉक है. ये देखिए टचिंग, यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे एज. एज मतलब द बाउंड्री ऑफ द बॉर्डर, द बाउंड्री ऑफ द स्टेज. द बाउंड्री ऑफ द स्टेज मींस एज. तो मैंने एज सेलेक्ट किया हुआ था.
और इसको मैंने यहां पर दूसरे वाले इफ में अटैच किया हुआ है। और अगर गन ऊपरी एज से टच हो रही है तो मैंने क्या किया है, वाई को माइनस 15 यानी 15 कम कर दिया, तो गन जब भी ऊपर जाएगी वो स्टेज को क्रॉस कर नहीं पाएगी, इट विल स्टे इन द व्यू, आपको दिखती रहेगी। और ये कब होगा, जब गन मूव कर रही है ऊपर। तो ये वाले इफ को मैंने केयरफुली इस वाले इफ के अंदर, सी मैंने यहां पे नहीं लगाया है, इसको कहां लगाया है मैंने, ये वाले इसके अंदर, ये इफ इसके अंदर नेस्टेड है, देख रहे हैं। तो जैसे ही वाई चेंज होगा हम वहीं पर चेक करेंगे क्या गन स्टेज के एज पर पहुंच गई है, अगर ऐसा है तो गन के वाई को 15 कम कर दो। एंड दिस इज फॉर गन मूविंग अप, आपकी बंदूक जब ऊपर जा रही है तब ऐसा हो रहा है, नीचे आने में ठीक रिवर्स होगा, डाउन एरो वाई को हम 10 से घटाएंगे और अगर नीचे वाले एज से गन टच करेगी तो हम उसके वाई को 15 बढ़ा देंगे तो गन हमारी ऊपर आ जाएगी। ये काम आपका दूसरे इफ से हो रहा है, ये देखिए, ये वाला इफ इस वाले इफ का ठीक रिवर्स है, अप एरो डाउन एरो चेंज वाई बाई 10 चेंज वाई बाई माइनस टेन मीन्स वाई को घटाओ नीचे लाओ, इफ टचिंग एज चेंज वाई बाई 15 यहां पर है चेंज वाई बाई माइनस 15 ऊपर जाएगी और टकराएगी तो नीचे आना, नीचे जाएगी गन और टकराएगी तो उसे ऊपर आना, गॉट इट। घटाने का मतलब माइनस, बढ़ाने का मतलब पॉजिटिव प्लस। अब ये दोनों काम पूरे गेम में फॉर एवर होने चाहिए, हमेशा जब तक गेम आपका चल रहा है तब तक ये काम होते रहना चाहिए, इट शुड हैपन फॉर एवर एज लॉन्ग एज आपका गेम रन कर रहा है। तो ये कैसे होगा, हमारे पास एक ऑरेंज कलर्ड में जाते हैं कंट्रोल में, यहां पे देखिए फॉर एवर लूप है, फॉर एवर ब्लॉक है, इसको मैंने ले लिया, जो कुछ मुझे फॉर एवर करना है, जो कुछ मुझको फॉर एवर करना है, लगातार करते रहना है, हमेशा करते रहना है जब तक गेम चल रहा है, उस चीज को मैं फॉर एवर के अंदर डाल दूंगा। तो मैंने दो चीजें तैयार करी है, गन ऊपर जाना गन नीचे आना, ये दोनों ब्लॉक्स हैं, इनको मैं बारी बारी से केयरफुली फॉर एवर के अंदर डाल रहा हूं। ये देखिए ये पहला वाला आ गया और ये फॉर एवर के आखिर में यहां पर, ये देखिए इस जगह ये दूसरा वाला इफ मैं अटैच कर रहा हूं, वेरी केयरफुली आई एम अटैचिंग इट हियर। ये दोनों ही देखिए फॉर एवर के अंदर आ गए, फॉर एवर का जॉ देखिए कितना बड़ा खुल गया है, एंड फॉर एवर हैज टेकन बोथ द इफ ब्लॉक। और अब इस फॉर एवर को मैंने यहां पर अटैच कर दिया, मेरा प्रोग्राम रेडी हो गया गन के लिए। अब अगर मैं इस पे प्ले पे क्लिक करूंगा, तो मेरी गन ऊपर जा रही है, देखिए ऊपर टकरा नहीं रही है, ऐसी देखिए मेरी गन नीचे आ रही है और देखिए बाहर नहीं जा रही है। गॉट दिस, तो दिस इज योर गन हैंडलिंग, आपका गन का कंट्रोल आपका हो गया। तो हमने अपने गेम की स्टोरी में लिखा था कि गन ऊपर नीचे जाएगी और ऊपर नीचे जाने में कितने सारे इश्यूज थे, गन कैसे ऊपर नीचे जाएगी, वाई एक्सिस को घटाएंगे बढ़ाएंगे। अब दूसरी प्रॉब्लम थी कि गन अगर मूव करती चली जाएगी तो गायब हो जाएगी, तो गन को रोकना भी है, गन की एक बाउंड्री में रोकना है, उसके लिए हमने कैसे इंतजाम किया, हमने चेक किया अगर वो एज से टकराएगी तो हम उसके वाई को माइनस या नीचे अगर टकराएगी तो प्लस कर देंगे, तो क्या होगा गन अपनी लिमिट्स में रहेगी और गन आगे पीछे जा ही नहीं सकती क्योंकि हमने उसके लिए कोई इंतजाम किया नहीं है और ना हमें चाहिए, गन को हमें रोटेट भी नहीं करना है, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, वी डिड नॉट डू इट, इट इज प्लेन एंड सिंपल अप एंड डाउन। तो अब हम देखते हैं बुलेट कैसे शूट होंगी। नाउ हियर यू हैव टू फोकस, इट इज हम दूसरा अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, जो मैंने आपको 8 पॉइंट्स बताए थे वो बारी बारी से कवर होंगे। अब अगला पॉइंट आ रहा है, जितनी बार आप चाहेंगे उतनी बार गोली चलेगी, दैट मीन्स देयर इज नॉट गोइंग टू बी वन बुलेट, काफी सारी बुलेट्स होंगी, लेकिन अभी हमने स्टेज पे देखा था केवल एक बुलेट रखी है, जो हम पिक्सा पे से इमेज लाए थे वो भी एक ही है, तो एक बुलेट से हम बहुत सारी बुलेट कैसे बनाएंगे। आंसर इज
क्लोन, रिमेंबर मैंने आपको क्लोन के बारे में बताया था, तो एक बुलेट की कई कॉपीज हम बनाएंगे। और कब बनाएंगे, आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको गेम की स्टोरी दिखाई थी तो उसमें लिखा हुआ था और मैंने आपको बोला भी था कि जब हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तब हमारी गन शूटिंग करेगी। दैट मीन्स मुझे चेक करना होगा अगर स्पेस बार प्रेस हो रही है तो क्या क्या होगा। जो बुलेट है उसकी एक कॉपी बनेगी, बुलेट की कॉपी बन गई, लेकिन मेरी गन कहां पर है, मेरी गन तो स्टेज पर यूं है और बुलेट तो नीचे है, बुलेट की कॉपी तो बन गई, अब वो गन के पास कैसे जाएगी ये भी सोचना है। और अब हमें क्या करना है, नंबर वन, बुलेट जैसे ही स्पेस बार प्रेस होगी बुलेट की एक कॉपी बनेगी, वो कॉपी गन की नाल के पास जाएगी, गन की नाल के पास बुलेट को हम भेजेंगे, ये दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा कि वो बुलेट शूट होगी, वो बुलेट आगे मूव करेगी। और अब जब बुलेट आगे शूट होगी तो आगे चलते चलते या तो वो किसी बैट से टकराएगी, अगर बुलेट किसी बैट से टकराएगी तो बैट जो है वो किल हो जाएगा, वो हम अलग देखेंगे, अभी बाद में आएगा। अभी हम देखते हैं कि अगर बुलेट सीधी जाती है और स्टेज को पूरा पार कर जाती है तो हमें बुलेट के क्लोन को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना बुलेट चलती रहेगी कहां पहुंच जाएगी पता नहीं। तो आपने जो बुलेट का क्लोन बनाया है, अगर आपने उस बुलेट को शूट किया है तो दैट बुलेट अगर वो किसी बैट को किल नहीं कर रही है तो वो बुलेट आगे जाके स्टेज से स्टेज के किनारे जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो आपको समझ में आया स्टेप, बुलेट का कॉपी बनाना है, उस कॉपी को गन के पास लाना है और शूट करना है, शूट होने पर उसको बाद में डिस्ट्रॉय भी करना है क्योंकि उसने किसी बैट को किल नहीं किया, जब वो बैट को किल करेगी तब की तब देखेंगे। तो लेट अस सी हाउ डू वी डू दैट, बुलेट को बनाना और उसको शूट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बुलेट के पास है। तो अभी हमारे सामने गन दिखाई दे रहा है, अब हम चलते हैं बुलेट के पास। ये मैंने यहां पर मुझे सारे अपने स्प्राइट्स अपने कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, तो अभी मैंने क्लिक किया बुलेट पर। ये देखिए मैंने यहाँ पे छोटी सी बुलेट यहाँ पे करके रखी हुई है, बुलेट का साइज मैंने कैसे चेंज किया था लेट मी शो यू। यहाँ पे देखिए बुलेट का साइज मैंने 8 दिया हुआ है, गन का साइज मैंने क्या दिया हुआ था 40, गन का साइज 40 दिया हुआ है, बुलेट का साइज मैंने 8 दिया हुआ है, फाइन। तो यहां से आप साइज चेंज कर सकते हो। ओके नाउ लेट्स फोकस ऑन बुलेट, ये बुलेट मैंने सेलेक्ट किया, आप यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो बुलेट का छोटा सा प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज रियली वेरी स्मॉल प्रोग्राम, लेट अस सी हाउ इट इज हैपनिंग। तो जैसे ही बुलेट, जैसे ही स्पेस बार प्रेस होगी तो ये हम कैसे पता करेंगे, ये देखिए यहां पर एक ब्लॉक दिया हुआ है ऑरेंज कलर्ड, व्हेन स्पेस की प्रेस, ये मैं कहां से लाया, ये मिला मुझे इवेंट में से, लाइट ऑरेंज ये रहा, ये देखिए व्हेन स्पेस की प्रेस, यहां से मैं ओपन करके लिस्ट कोई भी की सेलेक्ट कर सकता हूं। हमने डिसाइड किया कि हम स्पेस की यूज करेंगे तो हमने यहां पर स्पेस रखा हुआ है, व्हेन स्पेस की प्रेस। अब जैसे ही स्पेस की प्रेस होगी सबसे पहले उस बुलेट की एक कॉपी बनेगी, बुलेट की कॉपी कैसे बनेगी, आपके पास डार्क ऑरेंज कलर्ड एक ब्लॉक है, चलिए डार्क ऑरेंज कलर में जाते हैं, देखें यहां पर क्या क्या है, नीचे स्क्रॉल करते हैं, क्रिएट क्लोन ऑफ माइसेल्फ, हम बुलेट के अंदर हैं, बुलेट के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो माइसेल्फ का मतलब हुआ बुलेट। तो बुलेट कह रही है कि अगर यूजर ने स्पेस की प्रेस करी तो मैं अपना एक कॉपी बनाऊंगी, तो बुलेट क्या करेगी, अपनी एक कॉपी बनाएगी। तो ये तो हो गया बुलेट का कॉपी बनाना। चलिए देखते हैं जरा गेम को प्ले करके बुलेट कॉपी कैसे बना रही है। ये मैंने गेम प्ले किया, जस्ट अ मोमेंट, इसको बड़ा कर लें थोड़ा, ये मैंने गेम प्ले किया, होल्ड ऑन, बुलेट माइट नॉट बी विजिबल, आई प्ले द गेम एंड आई प्रेस स्पेस बार।
I show you again. I play the game and I press space bar. Create a copy one way. Again, I press space bar. I press the space bar many times. I press the space bar many times. इतनी बार मैंने स्पेस बार प्रेस करी उतनी सारी बुलेट्स बन गई थी। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ इन दो ब्लॉक्स की मदद से। व्हेन स्पेस की प्रेस क्रिएट क्लोन ऑफ माइसेल्फ, माइसेल्फ मतलब बुलेट अपने लिए कह रही है। तो जितनी बार आप स्पेस बार प्रेस करोगे जहां पर बुलेट रखी हुई है ये देखिए वहीं पर उसकी कई कॉपीज बनती जाएंगी और जब आप बुलेट को हिलाओगे तो उसकी सारी कॉपीज दिखना शुरू होंगी। तो एक तो ये हो गया। अब यहां पर हमें यह भी देखना है कि बुलेट गन से कैसे शूट होगी। बुलेट की कॉपी तो बन गई, अब उसको हमें गन तक ले जाना है और उसको शूट करवाना है। तो जैसे ही बुलेट बन जाती है, जैसे ही बुलेट का क्लोन बन जाता है, आप चेक करोगे When I start as a clone, ये ब्लॉक बताता है कि जैसे ही बुलेट का क्लोन बनेगा, आपने अब देखिए फ्लो को समझने की कोशिश करिए। आपने स्पेस बार प्रेस किया, बुलेट की एक कॉपी बन गई और यहां पर हम कह रहे हैं जैसे ही बुलेट की एक कॉपी बनेगी, When I start as a clone, जैसे ही मेरी कॉपी बनेगी, बुलेट कह रही है। ये ब्लॉक भी आपको लाइट ऑरेंज, आपको डार्क ऑरेंज कलर में मिलेगा। स्क्रॉल करेंगे नीचे, ये आपके इवेंट कंट्रोल कंट्रोल ब्लॉक्स हैं। यहां पर देखिए आपका है व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, ये देखिए ब्लॉक है यहां पर, इसको ही मैं यहां पर लेकर आया था। तो जैसे ही, तो आप देखिए फ्लो है, स्पेस बार प्रेस हुई, क्लोन बना, बुलेट की एक कॉपी बन गई और यहां पर आएगा कंट्रोल सीधे जैसे ही बुलेट की एक कॉपी बनेगी। ये अपने आप होगा, जैसे ही बुलेट की एक कॉपी बनेगी आप क्या करेंगे, बुलेट के लिए कहेंगे आप गो टू Where? Go to gun. Gun की तरफ चले जाओ। Go to gun कहने पर क्या होगा, बुलेट गन के साथ जाके चिपक जाएगी। इतना करने से क्या होगा, बुलेट गन के पास जाके चिपक जाएगी। देखिए देखते हैं इसको, मैं प्ले कर रहा हूं और मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा, आप देखेंगे बुलेट की कॉपी गन के पास जाके चिपक गई है। ध्यान से देखिएगा, देखा आपने? I show you again. ये बुलेट है नीचे, मैं जैसे ही गेम को प्ले करके स्पेस बार प्रेस करूंगा, बुलेट की कॉपी गन के पास जाके चिपक जाएगी। ध्यान से देखिए, ये रही बुलेट यहां पर आकर चिपक गई। तो हमारा सेकेंड स्टेप भी पूरा हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगली चीज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन। बुलेट गन की नाल के पास जाके कैसे चिपक गई, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बुलेट जो है वो गन की हैंडल के पास जाके चिपक जाती, या गन के ट्रिगर में जाके क्यों नहीं चिपकी? ऐसा क्यों हुआ कि बुलेट आपकी नाल के बिल्कुल किनारे टिप पर जाकर चिपकी? हाउ डिड वी डिसाइड दैट? नॉर्मली क्या होता है, आइए हम देखते हैं कैसे हम समझते हैं इस चीज को, कैसे ये वर्क कर रही थी। हम वापस गन के पास जा रहे हैं, गन क्लोन के पास, और गन के लिए आई एम गोइंग टू स्क्रीन पार्ट कॉस्ट्यूम। आप यहां पर देख रहे हैं कोड, अभी हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो हम कोड वाली टैब में हैं, अभी हम कॉस्ट्यूम्स वाली टैब में जाते हैं। कॉस्ट्यूम्स का मतलब होता है एक ही कैरेक्टर के कई रूप अगर आपको बनाने हैं, तो हम कॉस्ट्यूम्स में जा रहे हैं। ये देखिए गन कॉस्ट्यूम, यहां पर कॉस्ट्यूम एडिटर खुल गया है। ये बिल्कुल आपके एमएस पेंट की तरह होता है, आप यहां पर ड्राइंग बना सकते हो। तो आप देखिए यहां पर मैंने गन रखी हुई है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक सेंटर होता है, प्लस साइन होता है जो कि इसका सेंटर होता है। मैं आपको ऐसे बता देता हूं,
आप देख रहे हैं ये पूरा आपका एडिटर दिखाई दे रहा है गन का, लेकिन गन को मैंने बीच में नहीं रखा हुआ है। गन को मैंने कहां रखा हुआ है? गन को मैंने यहां कोने में रखा हुआ है। कोने में रखने की वजह क्या थी मैं आपको बताता हूं। गन को यहां कोने में रखने में ये फायदा था कि गन का जो टिप है, आप देख रहे हैं गन की ये नाल की जो टिप है, जो गन का बैरल है उसका जो टिप है, वो आपका इस पूरे एडिटर के सेंटर में है। देख रहे हैं सेंटर एरिया ये है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी आप किसी क्लोन को कहते हैं गो टू दैट अनदर क्लोन, जैसे मैंने कहा बुलेट के लिए मैंने क्या कहा था, गो टू गन। गो टू गन कहती है, बुलेट गन के पास जाके चिपक गई थी। गो टू गन जब मैंने कहा तो बुलेट को चाहिए था पूरे गन का सेंटर। पूरे गन का सेंटर मैंने क्या बना रखा है, गन का टिप। गन का सेंटर ये नहीं है। अगर आप गन को हाथ में पकड़े तो आप कहेंगे ये गन का सेंटर है, नहीं, मेरे गेम में गन का सेंटर ये रहा। तो मैंने क्या किया था, मैंने गन को सेलेक्ट किया था सेलेक्ट टूल से, और फिर मैंने इसको पहले यहां पर थी ये गन ऐसे थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको सरका के एकदम किनारे कर लिया, इतना किनारे में ले आया कि वो बस गन कट ना हो, इसके सेंटर पे टिप रहे ऐसे। ये देखिए ये काम मैंने किया। तो ऐसे सरकाने से क्या हुआ, गन का जो टिप था वो सेंटर में आ गया है। ये बहुत जरूरी है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो बुलेट जाके ट्रिगर में चिपक जाती, जो कि बड़ा अननेचुरल है भाई। गोली तो गन की नाल में से निकलती है ना, ट्रिगर में से तो नहीं निकलती। तो ये इंतजाम करना बहुत जरूरी है। जब भी आप कह रहे हैं स्प्राइट ए गो टू स्प्राइट बी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक कैरेक्टर और एक कार है, तो जब आप इस कैरेक्टर को बोलेंगे गो टू कार, तो ऐसा लगेगा जैसे वो कार में जाके बैठ गया। तो ये कैसे होगा, आपको कार की सीट जो दिख रही है उसको आपको यहां ड्रैग करके सेंटर पे रखना पड़ेगा। तो जो पॉइंट आपका स्प्राइट या इमेज का जो भी पॉइंट है जहां पर जाकर दूसरा स्प्राइट चिपकेगा, अटैच होगा, वो पॉइंट आप कॉस्ट्यूम एडिटर में जाकर उसको ड्रैग करके सेंटर में लाके रख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका गेम नेचुरल नहीं लगेगा। तो यहां पर हमने सेंटर में गन को खिसका लिया। ये देखिए सिलेक्शन टूल है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। ये गन पहले यहां पर थी, अभी जब मैं पहली बार मैं इस गन को देखा था मैंने इस तरह से, तो ये ऐसे दिख रही थी। फिर मैंने सिलेक्शन कोई और टूल सेलेक्टेड था, मैंने सिलेक्शन टूल लिया, बहुत केयरफुली मैंने इस गन को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ माउस से, फिर मैं इसको मूव करके ये सेंटर में अंदाजे से थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको, दो तीन बार के ट्रायल से आपका सेंटर बन जाएगा। यहां रख के मैं आ गया, और अभी देखिए यहां पर मेरी गन देखिए कट हो रही है रिव्यू में, तो मैं गन को थोड़ा सा और आगे ले आता हूं। अब ठीक है, दैट बेटर। तो यहां प्रीव्यू में आपको दिख भी रहा है कि गन आपकी दिखाई भी दे रही है, और गन का जो टिप है वो लगभग स्टेज के सेंटर में आ गया है। बेटर। तो अब मैं कॉस्ट्यूम से बाहर आ गया, मैं वापस कोर्ट पे क्लिक कर रहा हूं। तो गन का इंतजाम हो गया, शूटिंग का इंतजाम हो गया, हमारी गन मूव कर रही है, शूट कर रही है, वेल एंड गुड। अब हम आते हैं दुश्मन एनिमी पर। हु इज द एनिमी, मिस्टर बैट इज द एनिमी। तो देखें बैट साहब क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बैट का काम है, जैसे ही गेम शुरू होगा, इमीडिएटली जैसे ही गेम शुरू होता है, गेम कैसे शुरू हो रहा है, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, जैसे ही गेम शुरू होगा लगातार बैट के क्लोन बनना शुरू हो जाएंगे। फॉर एवर जब तक गेम चल रहा है, फॉर एवर बैट की कॉपीज बनती रहेंगी और बैट रैंडमली फ्लाई होना शुरू होंगे, स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड से आना शुरू होंगे, और गन हमारी उनको शूट करना शुरू करेगी। शूटिंग का हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा बैट किस तरह से क्रिएट होंगे, लगातार क्रिएट होते रहेंगे, लगातार मतलब फॉर एवर। आप देख रहे हैं यहां पर बैट का कोड मैंने लिया हुआ है, और मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। आप इन सारे ब्लॉक से फेमिलियर होंगे एक्सेप्ट दिस, वेट ब्लॉक को मैं अलग कर ले रहा हूं। आपको याद होगा फॉरएवर ब्लॉक मैंने शुरू में भी लिया था जब गेम शुरू हुआ था। तो बैट में मैंने क्या किया, फॉरएवर ब्लॉक ले लिया,
और क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, ये मैंने फॉरएवर के अंदर डाल दिया। फॉरएवर के अंदर हम क्या डालते हैं, जो हमें बार बार करना होता है। तो बैच के क्लोन हमको बार बार बनाने हैं, तो बैच का क्लोन, क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ मैंने फॉरएवर के अंदर डाल दिया। अब क्या है, बैच के क्लोन बनना शुरू हुए तो थोड़ा टाइम भी तो देना पड़ेगा ना, प्लेयर को थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, बेचारा गन को ऊपर नीचे मूव करेगा, शूटिंग करेगा, तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एक बैच आया तो मैंने डिसाइड किया कि दूसरा बैच जो आएगा वो 3 सेकंड के बाद आए, तो हर 3 सेकंड के बाद जो बैच है वो स्क्रीन पर आते जाएंगे। तो 3 सेकंड के लिए वेट कैसे करेंगे आप? कंट्रोल वाले इवेंट्स, अगर आप कंट्रोल वाले ब्लॉक्स में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा वेट डैश सेकंड, ये मिला। इसको मैं ले आया था और इसको भी मैंने फॉरएवर के अंदर ही डाल दिया। और कितने सेकंड्स मैंने दिए? 3 सेकंड। तो मैंने क्या कहा, लगातार करते रहो। जैसे गेम शुरू होता है, गेम कैसे शुरू होता है, जब ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा, जब ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा तो फॉरएवर बैच के क्लोन बनाते जाओ, हर 3 सेकंड पर रुक कर। वेट 3 सेकंड क्या होगा, अगला क्लोन बनने से 3 सेकंड रुकेगा कंप्यूटर, कंप्यूटर 3 सेकंड रुक जाएगा, फिर अगला क्लोन क्रिएट करेगा, फिर 3 सेकंड रुकेगा, फिर अगला क्लोन क्रिएट करेगा। तो हर 3-3 सेकंड पर बैच आते जाएंगे। तो ये इंतजाम हमने कर लिया, जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हो रहा है तो लगातार फॉरएवर बैच के क्लोन बनाते रहो, एवरी 3 सेकंड, हर 3 सेकंड के बाद। अच्छा भाई, क्लोन बनने लगे बैच के। अब क्या हुआ, जैसे ही बैच का क्लोन बना, वो क्या करेगा, बैच का क्लोन जैसे ही बनेगा वो बैच रैंडमली कहीं पर आएगा। एक पर्टिकुलर जगह पर अगर आएगा तो हमारे प्लेयर को तो बाद में पता लग जाएगा कि अच्छा, जो भी बैच क्रिएट होता है वो एक पर्टिकुलर जगह पर आता है, तो वहीं गोली मार दो, तो आपका गेम तो गया। आपका आपका फ्रेंड कहेगा कि यार तेरे गेम तो बड़ा सरल है, मैं गन को एक ही जगह रखता हूँ, उसी चीज में रखता हूँ जहां पे बैट बन के आ रहा है, तो जैसे ही बैट वहां पे अपीयर होगा मैं इधर से शूट कर दूंगा, एंड आई विल नेवर लूज, बट यू आर गोइंग टू मेक इट चैलेंजिंग। बैट हमेशा एक जगह पर नहीं होगा, रैंडम जगह पर अपीयर होगा। नाउ यू रिमेम्बर, आपको मैंने एक फंडामेंटल बताया था, रैंडम, रैंडमाइजिंग, रैंडमनेस। तो बैट आपका क्रिएट भी होगा और रैंडम स्क्रीन पर आएगा, ताकि आपको गन मूव करनी पड़े, आपको निशाना साधना पड़े और बैट की चीज में आके शूट करना पड़े, दैट इज चैलेंजिंग। तो ये चीज कैसे होगी देखते हैं, पे अटेंशन हियर। बैट के क्लोन बनते जा रहे हैं, इस वाले कोड की मदद से बैट के क्लोन बनते जा रहे हैं। अब हर क्लोन क्या करेगा, जैसे ही बैट का एक क्लोन बना वो क्या करेगा, वो यहां पर है, आपको याद हो गई, हमने पहले भी यूज किया था, देन आई स्टार्ट एज अ क्लोन। हमेशा याद रखिए, क्लोन से आपको जो कुछ भी करवाना है वो आप इस ब्लॉक की मदद से करवाएंगे, व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन। और ये कलर आपको बता देगा, डार्क ऑरेंज यानी कंट्रोल कैटेगरी में ये ब्लॉक आपको मिलेगा। सो मेक अ नोट, यू कैन ऑल, यू ऑलवेज रिमेंबर, क्लोन से जो कुछ भी करवाना है इस ब्लॉक के नीचे जाएगा। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मेरा जो बैट का कॉपी बनेगा वो उसका एक्स तो यहां रहेगा, एक्स मतलब ये पॉइंट, ये आपका एक्स है, देखिए आपको याद है, हॉरिजॉन्टल इज एक्स, वर्टिकल इज वाई। तो एक्स पोजीशन ये जो है, अगर मैं बैट को यहां पर लाऊं, देखिए तो ये इसकी पोजीशन दिखा रहा है -225, मैंने रखी हुई है -260, तो बैच को मैंने -260 रखा हुआ है। तो जब भी बैच का क्लोन बनेगा वो -260 यानी बिल्कुल लेफ्ट एज पर आ जाएगा, लेफ्ट वाले किनारी पर आ जाएगा स्टेज की। -260 इज लेफ्ट किनारी ऑफ स्टेज। लेकिन वाई क्या होगा, बैच यहां होगा कि यहां होगा कि यहां होगा, यहां होगा, ये हम रैंडमली डिसाइड करेंगे ताकि शूटिंग में थोड़ी दिक्कत आए, प्लेयर को थोड़ा चैलेंज लगे। तो ये चीज हमने कैसे करी है, जैसे ही बैच का क्लोन बना मैंने एक ब्लॉक यूज करा, गो टू एक्स वाई। गो टू एक्स वाई देखे कहां पर है, ये ब्लू कलर का है तो मुझे मोशन में मिलेगा ब्लू कलर में, गो टू एक्स वाई, ये रहा, ओ हियर इट इज, गो टू एक्स वाई।
एक्स मैंने डिसाइड कर लिया था मैं क्या करूंगा, -260, ये तो मैंने कर लिया -260, और वाई की जगह क्या करूंगा, वाई मैं फिक्स नहीं कर सकता, वाई मुझे चेंज करते रहना पड़ेगा, वाई के ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, रैंडमनेस। रैंडमनेस कैसे आएगा, एक ग्रीन कलर का ब्लॉक आपको मिलेगा पिक रैंडम, आइए ढूंढते हैं ग्रीन कलर कहां पर है, ग्रीन कलर है ऑपरेटर्स कैटेगरी, या हियर इट इज ऑपरेटर्स कैटेगरी। ऑपरेटर्स कैटेगरी में सबसे बड़ा ब्लॉक आपको मिलेगा पिक रैंडम, ये रहा। तो ये रैंडम में कैसे डिसाइड करूंगा, ये भी हम यहां पे जाके कर सकते हैं, हम स्टेज पे गए और चेक कर लेते हैं, ये बैच को मैं बिल्कुल टॉप पे ले जाता हूं, तो ये दिखा रहा है वाई है 154, और बिल्कुल नीचे लाता हूं मैं बैच को, तो ये वाई है -154, -154 से लेकर 154 तक, ये हमारा एक्सट्रीम है वाई के, हम इन्हीं को यूज कर लेते हैं। देखिए मैंने पिक रैंडम में, आप पिक रैंडम क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट करता है, रैंडम नंबर, लेकिन किसके बीच में, जो नंबर आपने दिए होते हैं, मैंने क्या दे रखा है -155 से +155 तक, बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करो, तो मान लीजिए उसने जनरेट किया 100, मान लीजिए उसने जनरेट किया 50, -50, 160, कोई भी नंबर हो सकता है। अब ये रैंडम नंबर जो भी जनरेट होगा उसको हम वाई की जगह पर लगा देंगे, तो इसको मैंने लगा दिया यहां पर धोई में से वाई की जगह पर मैंने डाल दिया, तो एक्स क्या हुआ -260, यानी बिल्कुल स्टेज का किनारा लेफ्ट वाला, लेकिन वाई को हमने रैंडम कर दिया। रैंडमनेस कैसे हम लाएंगे, पिक रैंडम ग्रीन कलर का ब्लॉक यूज करके, उसमें हम दो नंबर देंगे, उन दो नंबर के बीच में रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे कई बार आप गेम खेलते हो तो अपने दोस्त से पूछते हैं, अच्छा 1 से लेकर 100 के बीच में कोई गिनती सोच लो, तो वो तो कुछ भी सोच सकता है 1 से 100 के बीच में। सेम हियर आप कह रहे हो कि -155 से लेकर 155 के बीच में कोई गिनती सोच लो, कोई भी एक नंबर सोच लो, तो कंप्यूटर सोच लेता है और वो यहां पर वाई में चला जाएगा, लेकिन x क्या है वो 260 ही रहेगा, तो आपका ऊपर नीचे बैच कहीं पर भी आ जाएगा लेकिन बैच रहेगा इसी किनारे पर। तो ये मैंने यहां पर पहले से बना के रख लिया हुआ है, ये मैंने यहां चिपका दिया। अब देखिए इसको ट्राई करते हैं, इसको जरा चेक करके देख लेते हैं, ये मैं गेम प्ले कर रहा हूं, आपने देखा कैसे रैंडमली बैट वन किनारे पर ही रहे हैं लेकिन रैंडम क्रिएट हो रहे हैं। देखिए एवरी 3 सेकेंड 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आप देख रहे हैं बैट ऊपर नीचे कहीं पर भी क्रिएट हो रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में चिपके हुए हैं क्योंकि हमने एक्स को फिक्स कर रखा है -129 पे और वाई जो है वो रैंडमली चेंज हो रहा है इसलिए बैट बनते जा रहे हैं और सब इधर चिपके हुए हैं। गॉट दिस, तो अभी इसको स्टॉप कर देते हैं, सारे क्लोन्स गायब हो गए, जब आप गेम स्टॉप करते हो तो सारे क्लोन गायब हो जाते हैं, वापस कोडिंग पर आते हैं। तो ये काम हो रहा था, जैसे ही क्लोन बन रहा था वो -260 कोऑर्डिनेट एक्स और रैंडम वाई कोऑर्डिनेट पे बन रहा था। अब क्या हुआ, आपने बैट का क्लोन बना दिया, उसको किनारे चिपका दिया, लेकिन चिपका नहीं रहेगा, बैट ने तो उड़ते हुए आना है और लाइन की तरफ जाना है। किधर जाना है, ये जो रेड लाइन दिख रही है, देख रहे हैं, ये रेड लाइन की तरफ जाना है। ये कैसे होगा, ये फॉरएवर होगा। बैट क्या करेगा, बैट जैसे ही क्रिएट होगा क्लोन, वो लाइन की तरफ पॉइंट करेगा और लाइन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ये काम फॉरएवर होगा। आप देखिए फॉरएवर यहां पर मैं ले आया, फॉरएवर के अंदर देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, पॉइंट टुवर्ड्स लाइन, ना तो गन ना बुलेट ना माउस पॉइंटर, लाइन। तो जैसे ही बैट का क्लोन क्रिएट हुआ,
वो लाइन की तरफ पॉइंट करने लगेगा, पॉइंट टुवर्ड्स लाइन। ध्यान दीजिए, ये ब्लू कलर का है तो आपको यहां पर मिलेगा मोशन में, ये देखिए पॉइंट टुवर्ड, ये रहा, यहां पे मैंने सेलेक्ट कर लिया लाइन, इस तरह से मैंने इसको बनाया और यहां पे लाके चिपका दिया। पॉइंट टुवर्ड्स लाइन के बाद क्या होगा, पॉइंट टुवर्ड्स का मतलब है कि बैट जो है वो लाइन की तरफ घूम जाएगा, लेकिन अभी लाइन की तरफ मूव नहीं कर रहा है। मूव कैसे करेगा, जब आप कहेंगे मूव थ्री स्टेप, और ध्यान दीजिए फॉरएवर ये काम होता रहेगा, लगातार ये होता रहेगा, तो वो पॉइंट करेगा और मूव करता रहेगा लाइन की तरफ, तो लाइन की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब वो लाइन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा तो देखिए क्या हो रहा है, हम पूरा गेम अब चला के देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बैट के ऊपर, देखिए लाइन की तरफ जा रहा है, बैट है लाइन की तरफ जा रहा है, और हर बार रैंडम हो रहा है। जब भी बैट बन रहा है वो लाइन की तरफ जा रहा है। तो ये क्यों कैसे हो रहा है, पॉइंट टुवर्ड्स लाइन मूव थ्री स्टेप, पहले वो जिस तरफ पॉइंट करेगा उसी तरफ बढ़ेगा। आप हमेशा याद रखिए, आप जिस तरफ भी पॉइंट टुवर्ड्स कर देंगे आपका स्प्राइट मूव करने पर उसी दिशा में बढ़ेगा, तो पॉइंट टुवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने एक चीज और नोट करी होगी, नहीं करी तो मैं फिर से दिखाता हूं, बैट जो है वो फ्लाई भी कर रहा है, नेचुरल बैट फ्लाई क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर हम बैट के कॉस्ट्यूम्स में चलते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा कि बैट फ्लाई क्यों कर रहा है। बैट मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं जाता हूं कॉस्ट्यूम्स में, बैट के कॉस्ट्यूम्स में हम जब भी जाएंगे आप देखेंगे यहां पर चार बैट दिखाई दे रहे हैं, और चारों में बैट की पोजीशन, बैट का जो स्टांस है वो अलग है, एक जगह पर वो पंख सुकोड़े हुए, एक जगह पर फैलाए हुए, ये अलग अलग है। अगर ये सारे स्टेप तेजी से चला दिए जाएं तो क्या होगा, लगेगा बैट उड़ रहा है। अगर ये तेजी से चेंज हो, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, 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 ये अगर फॉरएवर होता रहे तो क्या होगा, बैट हमें उड़ता हुआ दिखाई देगा। ये हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं कोडिंग में, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ये वाला ब्लॉक ढूंढ के लगाना। ये देखिए थोड़ा सा पर्पलिश है, तो पर्पलिश कलर कहां पर है आपका, लुक्स में है, लुक्स में देखिए आपको मिला नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, ये नेक्स्ट कॉस्ट्यूम मैंने यहां पर लगा दिया था। तो अब आपका क्लोन बन गया, क्लोन जब शुरू हुआ तो वो रैंडमली स्टेज के एक्सट्रीम पर यहां पर रैंडमली क्रिएट हुआ, उसके बाद फॉरएवर वो पॉइंट करने लगा लाल लाइन को, फॉरएवर वो मूव करने लगा थ्री स्टेप किसकी तरफ, जिधर वो पॉइंट कर रहा है लाइन की तरफ, फॉरएवर वो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, जो भी अगला कॉस्ट्यूम होगा वो चेंज होगा और ऐसा लगेगा आपको जैसे बैट जो है वो फ्लाई कर रहा है। अब ये सब काम जो है वो थोड़ा सा, जो उसका नेक्स्ट कॉस्ट्यूम हो रहा है वो थोड़ा एकदम तेजी से नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिले होना चाहिए उसमें, तो वो डिले के लिए मैंने वेट लगा दिया है। वेट आपको मैंने बताया था, कंट्रोल में जाके आपको कहीं ना कहीं वेट मिलेगा, वेट में आप कितने भी सेकंड्स लगा सकते हो, मैंने बहुत क्विक किया हुआ 0.05 सेकंड, ताकि ऐसा ना लगे कि बैट बड़ा लेजी है, धीरे धीरे उड़ रहा है, 1 सेकंड में तो वो बड़ा सोच सोच के उड़ेगा, नहीं, उसको तेजी से, आपने देखा बैट कितनी फास्ट करता है, तो मैंने सेकंड कर दिए 0.05, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, तो वो बहुत तेजी से फ्लैप करेगा फॉरएवर की वजह से, हर बार उसका कॉस्ट्यूम चेंज होगा एंड इट विल क्विकली, ऐसा लगेगा जैसे वो पंख फड़फड़ा रहा है। ये हो गया, तो इतना काम हमने कर लिया, हमने बैट का क्लोन बनाया, उसको रैंडम रखा और फॉरएवर हमने उसको लाइन की तरफ पॉइंट कराया, लाइन की तरफ मूव कराया, और फॉरएवर हमने उसका कॉस्ट्यूम चेंज कराया कुछ सेकंड के बाद, तो क्या हुआ, ऐसा लगेगा जैसे बैट जो है वो लाइन की तरफ बढ़ रहा। अब ये इंतजाम हमने कर दिया, अब अगला काम हमारा क्या है, अगला काम है कि बैट के साथ एक्चुअली होगा क्या,
बैट के साथ दो काम होंगे, बैट के दो काम है। बैट क्या करेगा, वो लाइन की तरफ बढ़ रहा है, तो बैट अगर लाइन को टच कर जाएगा तो प्लेयर क्या करेगा, वो गेम हार जाएगा। लेकिन हम शूटिंग भी कर रहे हैं, आपका जो फ्रेंड आपका जो गेम खेल रहा है वो बैट को गोली भी तो मार रहा है, तो चांसेस है कि बैट को गोली लग जाए। तो दो चांसेस हैं, बैट को गोली लग जाए या बैट गोली लगने से पहले रेड लाइन को टच कर जाए। तो सबसे पहले देखते हैं बैट को अगर गोली लगेगी तो क्या होगा। नेचुरली जैसे ही बैट को गोली लगेगी तो पहला काम क्या होगा, बैट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो गोली भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्योंकि वो उस बैट को लग चुकी। तो जब बैट बुलेट को टच करेगा, आपको ये चेक करना है कि बैट जब बुलेट को टच करेगा तब बैट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बुलेट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये काम हमने आगे किया हुआ है, देखिए ध्यान से, और ये काम फॉरएवर होता रहेगा। ये देखा आपने, इस वाले इसको मैं अलग निकाल लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं। ये वाले इस पे ध्यान दीजिए, ये जो मैं दिखा रहा हूं इस पे ध्यान दीजिए। मैंने एक इफ ब्लॉक लिया, इफ ब्लॉक आपको कहां मिलता है, ये लाइट ऑरेंज कलर का है तो कंट्रोल में मिलेगा। ये देखिए ये रहा इफ, ये इफ मैं यहां पे ले आया था। आप कैसे पता करेंगे कि वो बैट जो है वो बुलेट को टच कर रहा है, टचिंग का मतलब हमें चेक करना पड़ेगा। ये ब्लू कलर का ब्लॉक है, ये मुझे सेंसिंग में मिलेगा, ये रहा टचिंग, ये रहा टचिंग। यहां पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा बुलेट, क्योंकि मुझे बैट, मैं किसके लिए प्रोग्राम लिख रहा हूं, बैट के लिए लिख रहा हूं ना, तो बैट के लिए मैं चेक कर रहा हूं इफ टचिंग बुलेट। अगर ये बुलेट टच कर रहा है तो क्या होगा, बैट का ये जो क्लोन है हम इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट कैसे करेंगे, एक ब्लॉक होता है हमारे पास डिलीट दिस क्लोन, ये देखिए ऑरेंज कलर का है तो ये मुझे कंट्रोल में मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये रहा डिलीट दिस क्लोन, ये मैं ले आया था, इसको मैंने यहां लगा दिया। देखिए तो सिंपल हो गया, अगर टच कर रहा है बुलेट को डिलीट दिस क्लोन तो बैट को डिलीट कर दो। तो ये हमारा काम यहां पर हो गया। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, दो काम और कर रहे हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको ये फोकस करना है कि बैट जब टच करेगा तो यहां पर क्लोन को हमें डिलीट कर देना। आपको एक ये पार्ट समझ में आ गया कि जैसे ही बुलेट को टच किया डिलीट दिस क्लोन, लेकिन हम इसको लगाएंगे कहां, इसको मुझे अब लगाना है अपने फॉरएवर में। ये मैंने फॉरएवर के अंदर रख दिया, फॉरएवर के अंदर और कुछ भी था, मैं जरा उसको ऑर्गेनाइज कर लूं ताकि मेरा गेम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। तो एक एक करके स्टेप वाइज समझने की कोशिश करिए, डू नॉट लुक एट द होल प्रोग्राम। जैसे ही क्लोन स्टार्ट हुआ रैंडमली हमने उसको एक्स वाई पे भेज, वाई के रैंडम पे भेज दिया, फॉरएवर में मैंने लाइन पॉइंट कराया, थ्री स्टेप मूव कराया, कॉस्ट्यूम चेंज कराया, फिर मैंने चेक किया अगर अगर बुलेट से टच हो रहा है तो क्लोन को डिलीट कर दो। देखिए ऐसा हो भी रहा है, मैंने अपने गेम में कुछ बुलेट के गेम में कुछ चेंज किया था, वापस रिस्टोर नहीं किया। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी ब्रिंग द गेम बैक इन कंट्रोल। हाँ, बुलेट का प्रोग्राम मेरा पूरा देख रहे हैं, ये पूरा अलग है, इसको मैं जरा वापस ले आऊं, अब दिखाता हूं मैं आपको। आपने टच हुए, देख रहे बुलेट से टच होगा बैट,
क्लोन डिलीट हो गया। तो ये काम हमारा क्या हो रहा था अभी, जैसे मैंने आपको बताया उसी से ये काम हो रहा था। इफ टचिंग बुलेट डिलीट दिस क्लोन, इफ टचिंग बुलेट डिलीट दिस क्लोन। तो ये काम हो गया, हमारी बुलेट से बैड जैसे टच हुआ वो डिस्ट्रॉय हो गया। बुलेट के प्रोग्राम में भी मैंने ऐसे ही कुछ इंतजाम किया हुआ है। जब बुलेट का क्लोन बना था, आप देख रहे हैं ये वाला फॉरएवर मैंने आपको पहले नहीं समझाया था। यहां देखिए बुलेट कैसे मूव कर रही है, बुलेट इज मूविंग माइनस 10 स्टेप, इस तरफ बढ़ रही है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ रही, तो माइनस 10 कर दिया मैंने, वरना बुलेट उल्टी चलेगी, वो प्लेयर को लग जाएगी जाके। तो बुलेट इज मूविंग फॉरएवर। और देखिए यहां पे मैंने चेक किया है कि अगर बुलेट एज से टच कर रही है, बैट से टच नहीं कर रही है, अगर एज से टच कर रही है तो डिलीट दिस क्लोन। बुलेट अगर बैट को नहीं लगेगी तो यहां तक आएगी, यहां पर आकर बुलेट का क्लोन अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो इतनी सारी बुलेट आके इकट्ठा नहीं होंगी, वो अपने आप डिलीट हो जाएंगी। तो ये काम कैसे हो रहा है, इफ टचिंग एज, एज मतलब स्टेज का किनारा, डिलीट दिस क्लोन, ये मैं लिख रहा हूं बुलेट के लिए। तो ये काम यहां पर हो रहा है। वापस बैट में चलते हैं। अब हम आते हैं बैट सक्सेसफुल हो जाता है, बैट को गोली नहीं लगती है और बैट जो है वो लाइन से जाके टच हो जाता है। ये देखिए इफ टचिंग, मैंने एक और इफ ब्लॉक लिया हुआ है। पहला वाला इफ ब्लॉक हम सीख चुके हैं इस बारे में, अब दूसरा वाला इफ ब्लॉक ये देखिए बिल्कुल इसके जैसा है। मैं चाहता तो इसकी कॉपी भी बना सकता था, राइट क्लिक डुप्लीकेट, तो मैं इसकी कॉपी भी बना सकता था, तो वो मैंने नहीं बनाई। यहां पर दूसरे वाले इफ पर ध्यान दीजिए। अब ये बैट के लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, इफ टचिंग लाइन, अगर बैट लाइन टच कर लेता है तो क्या होगा, ये जो बैकग्राउंड व्हाइट आपका दिखाई दे रहा है इसको बदल के हम कर देंगे स्काई ब्लू टू, ब्लू स्काई टू कर देंगे, ब्लू स्काई टू बैकग्राउंड में आपको दिखाता हूं। देखिए मैं बैकड्रॉप, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए बैकड्रॉप दिखाई दे रहे हैं, यहां पर मैंने क्लिक किया बैकड्रॉप पे और यहां पे देखिए बैकड्रॉप का टैब आ गया। इसमें जब मैं क्लिक करूंगा तो यहां देखिए तीन बैकड्रॉप दिखाई दे रहे हैं, ब्लू स्काई टू, ब्लू स्काई टू बैकड्रॉप में मैंने क्या लिख रखा है, यू लूज। ये बैकड्रॉप आया कहां से था, बैकड्रॉप में लाइब्रेरी में से मिला सकता हूं। ये देखिए बैकड्रॉप के बटन पे मैं जब जाऊंगा तो लेंस पे मैं क्लिक करूंगा तो बैकड्रॉप की लाइब्रेरी आ गई, इतने सारे बैकड्रॉप आ गए। ये रहा ब्लू स्काई टू, इसको मैंने लिया हुआ था, इस पर मैंने क्लिक कर दिया था और जब मैं बैक पे आया तो ये यहां पर मुझे इस तरह से ब्लू दिखाई दे रहा था, ये चीज यहां पे नहीं थी, इस तरह से दिख रहा था। फिर मैंने इसको बैकड्रॉप को यहां पे खोला, एडिटर में ये दिखाई दे रहा है। अब यहां पे मैंने टेक्स्ट टूल लिया, टी फॉर टेक्स्ट, और यहां पे मैंने क्लिक किया और यहां पे टाइप किया यू लूज। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ऊपर देखिए यहां पे फॉन्ट है, मैं एक बढ़िया सा फॉन्ट ले लेता हूं, यहां पर कलर भी है, मैं कलर चेंज कर सकता हूं, ठीक है, और मैं इसको यहां से सेलेक्ट ड्रैग करके बड़ा कर सकता हूं। ये बना लिया मैंने अपना नया बैकड्रॉप। ठीक इसी तरह से मैंने देखिए हार्ट बैकड्रॉप एक लिया हुआ था, यहां पे मैंने क्या लिखा था, यू विन कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इसको मैंने डिलीट कर दिया तो मेरा बैकड्रॉप ये कहां से आया था, ये देखिए मैं बैकड्रॉप बटन में जब गया था यहां पर लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं मुझे हार्ट का बैकड्रॉप भी मिला था, ये रहा हार्ट, ये मुझे पसंद आया था, ये थोड़ा प्लेन है तो इसको मैंने क्लिक कर लिया था और जब मैं बैक पे आया तो ये यहां मुझको ऐसे दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं लिखा था। लेकिन ये मैंने क्यों लिया है, ये मैसेज मैंने लिया है ताकि प्लेयर को मैं बता सकूं कि वो गेम जीत गया है। तो मैंने टेक्स्ट ब्लॉक लिया, यहां पे टाइप किया कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, इसका कलर मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूं, रेड ले लेता हूं,
फिर मैंने और दिया यू विन, ये देखिए। तो बैकड्रॉप एडिटर में जाके आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो और अपने मैसेजेस बना सकते हो। रिमेंबर मैंने कहा था आपको शुरू में कि मैसेजेस भी इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड चेंज करना पड़ सकता है। तो ये इस तरह से हो गया। एडिटिंग करने के बाद देखिए वही बैकग्राउंड यहां भी दिखाई दे रहा है। तो मैं वापस अपने ओरिजिनल बैकड्रॉप वन पे जा रहा हूं जो कि प्लेन एंड वाइट है। तो वापस रिस्टोर हो गया। ये मेरा यू लूज वाला बैकग्राउंड है, ये मेरा यू विन वाला बैकग्राउंड है, दैट इज कॉल्ड बैकड्रॉप। तो अब क्या होगा, जैसे ही बैट रेड लाइन को टच करेगा हम कौन सा बैकड्रॉप ले आएंगे, ये वाला। ये काम कैसे हो रहा है, जब बैट रेड लाइन को टच कर रहा है तो हम बैट की कोडिंग में चलते हैं। ये मैंने बैट सेलेक्ट किया, कोड में गए और कोड में जाने के बाद अब हम फोकस करते हैं इफ टचिंग लाइन। देखिए हमारा वही प्रोग्राम अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। सेम प्रोग्राम मैं आपको उसको पार्ट्स में बता रहा हूँ। फॉरएवर हमारा अभी भी चल रहा है, इसमें पॉइंट टुवर्ड्स, मूव, नेक्स्ट, कॉस्ट्यूम, वेट, ये हो गया। इफ टचिंग बुलेट भी हमारा हो गया। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन इफ टचिंग लाइन। इफ टचिंग लाइन, ये देखिए ये ब्लॉक स्विच बैकड्रॉप टू, स्विच का मतलब होता है चेंज। बैकड्रॉप को चेंज कर दो किसमें, ब्लू स्काई टू। आपको याद होगा ब्लू स्काई टू क्या था, ब्लू स्काई टू था यू लूज। स्विच बैकड्रॉप टू ब्लू स्काई टू। तभी देखिए जब गेम हम जब खेल रहे हैं तो उसमें जब मैं प्ले करता हूं और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बैट रेड लाइन से टच कर गया, आप देख रहे हैं बैकड्रॉप स्विच हो गया। ये कैसे हुआ, स्विच बैकड्रॉप टू। स्विच बैकड्रॉप टू कोड ब्लॉक आपको कहाँ मिलेगा, ये थोड़ा पर्पलिश है तो ये आपको कहीं ना कहीं लुक्स में मिलेगा। लुक्स में स्विच बैकड्रॉप टू, ये रहा, ये रहा, इसको मैं ले आया था और यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन ओपन करके अपना जो मुझे चाहिए था वो वाला बैकड्रॉप मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप देखते हैं आगे मैं गेम खेलता हूं, मैं कोशिश करता हूं जीतने की। अपना बनाया गेम नहीं खेल पा रहा हूं। हाँ बैट किल्ड फाइव एंड आई विन द गेम। आप देख रहे हैं जैसे ही फाइव बैट किल हुई यहां पर आ गया बैकड्रॉप चेंज हो गया, विन वाला बैकड्रॉप आ गया, हार्ट वाला। तो ये काम कैसे कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं डिसीजन लेके कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये काम कैसे हो रहा था, हमने कैसे जाना कि फाइव बैट किल हो गई। आपने देखा होगा इफ टचिंग लाइन पर मैंने क्या किया था, स्विच बैकड्रॉप टू ब्लू स्काई कर दिया था। और बाद में देखिए एक चीज और मैंने करी, स्टॉप ऑल। स्टॉप ऑल करने से क्या होगा, आपका गेम पूरा रुक जाएगा, ये बहुत जरूरी है। जैसे ही आपका गेम खत्म होता है आप स्टॉप ऑल करेंगे, चाहे वो हार के हो चाहे जीत के हो। स्टॉप ऑल कहाँ मिलेगा, ये ऑरेंजिश कलर है तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोल में मिलेगा। स्टॉप ऑल, ये रहा स्टॉप ऑल, बड़ी आसानी से मुझे मिल गया और मैंने इसको आराम से यहां पे लगा दिया था। तो when the bat is touching the line, switch backdrop to blue sky and stop everything. So switch backdrop to blue sky से क्या होगा, you lose वाला आ जाएगा background में लिख के और हर चीज रुक जाएगी। अब एक पार्ट बचता है कि bullet जब bat को लगेगी तो bullet kill हो, bat kill हो जाएगा, हमें bat को count करना है। We have to count one bat, two bat, three bat, four bat, five bat. मैंने अपने गेम में रखा हुआ है कि अगर पांच बैट किल हो जाते हैं तो यूजर गेम को जीत जाएगा। तो आइए देखते हैं हाउ डू वी काउंट द थिंग। इफ यू रिमेंबर
मैंने आपको गेम के कंपोनेंट्स में बताया था कि किस तरह से हम काउंट करेंगे. लेट मी शो यू इन डिटेल नाउ हाउ डू वी डू इट. काउंट करने की इंपॉर्टेंस क्या है, आप जितनी बार बुलेट से बैट को मार रहे हो एक काउंटर को हमें बढ़ाना पड़ेगा बाय वन. काउंटिंग इज डन बाय द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स इज जस्ट लाइक अ बकेट. आप वेरिएबल को ऐसे समझो कि एक बकेट है, आपने उसमें एक नंबर डाला हुआ है, फिर आप उसमें जब दूसरा नंबर डालोगे तो पुराना वाला मिट जाएगा. बकेट के अंदर एक बार में एक ही नंबर रहेगा. तो वेरिएबल यानी बकेट्स बनाते हैं. आप अगर यहां पर देखेंगे कोड में तो कई कैटेगरीज में आपको दिखेगा वेरिएबल. जब मैं वेरिएबल्स पे आऊंगा तो ये मेरे से पूछेगा मेक अ वेरिएबल. एक बटन है यहां पे मेक अ वेरिएबल. जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे से कहेगा वेरिएबल का नाम क्या रखोगे. तो मैंने वेरिएबल का नाम रखा बैट किल्ड. हाउ मेनी बैट्स आर किल्ड, ये मैं किस बकेट में रखूंगा, बैट किल्ड नाम करके मैं ओके पे क्लिक करूंगा. जैसे ही मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूं आप देखेंगे यहां पर बैट किल्ड नाम का वेरिएबल बन गया. और ये वेरिएबल आपको देखिए गेम में ऊपर दिखाई भी दे रहा है, बैट किल्ड ये रहा. तो बैट किल्ड वेरिएबल बन गया. अब जैसे ही बैट बुलेट से टच हो रहा है, बैट डिस्ट्रॉय हो रहा है, वहीं पर आप क्या करेंगे, बैट किल्ड का काउंट एक बढ़ा सकते हैं. आप ये काम आप कर सकते हैं. तो देखें कैसे करेंगे. तो वापस आते हैं वो वाले इफ पर जिसमें बैट बुलेट से टच हो रहा था. इफ टचिंग बुलेट, ये देखिए यहां पर मैंने किया हुआ है चेंज बैट किल्ड बाय वन. चेंज बैट किल्ड बाय वन, ये कहां से आया, ये देखिए यहां पर है चेंज और आपकी बकेट का नाम. हो सकता है आपने कई बकेट्स बनाई हो, तो मैंने बैट किल्ड वाली बकेट ली हुई है और बाई वन का मतलब है इसको एक से बढ़ा दो. अगर मैं माइनस वन होता तो ये एक से घट जाता. तो ये क्या होगा, एक से बढ़ जाएगा. कब बढ़ेगा, जब जब बुलेट से बैट टच होगा बैट किल्ड एक से बढ़ जाएगा और बुलेट और बैट का क्लोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. जब जब बुलेट से बैट टच होगा बैट किल्ड का काउंटर बढ़ जाएगा और बैट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. देखिए गेम में हम एक्सपीरियंस करते हैं, इसको फिर से चलाते हैं. आप ध्यान दीजिएगा जब बुलेट से जैसे ही टच होता है बैट, तब देखिएगा यहां पर बैट किल्ड का काउंटर कैसे बढ़ता है. आप इस काउंटर पर निगाह रखिए, वन टू चेंज बैट किल्ड बाय वन मोर थ्री. तो बैट किल्ड आपने देखा वन टू थ्री कैसे बढ़ा, इसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चेंज बैट किल्ड बाय वन. जब जब ये हो रहा था, जब जब बैट बुलेट से टच हो रहा था बैट किल्ड वन से बढ़ता जा रहा था और बैट डिस्ट्रॉय भी होता जा रहा था. तो दिस इज हाउ यू कीप ट्रैक कि आप कैसे काउंट करोगे. गॉट इट. अब क्या हो रहा है, बुलेट का काउंट बढ़ता जा रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव. जैसे ही फाइव होगा क्या होना चाहिए, विनर को गेम, प्लेयर को गेम जीत जाना चाहिए. ये काम हम कहां पर करेंगे देखते हैं, कहीं ना कहीं हमने चेक किया हुआ होगा. ये रहा एक और इफ मैंने यहां पे लिया हुआ है. देखिए सारा कुछ फॉरएवर के अंदर है. सी सारा कुछ फॉरएवर के अंदर है. अभी हम फॉरएवर के अंदर ही चल रहे हैं, हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है. हमने इफ टचिंग बुलेट देख लिया, इफ टचिंग लाइन देख लिया. अब हम देखते हैं, अब देखिए आपका बुलेट से बैट किल होते जा रहे हैं और बैट किल्ड नाम पर जो आपने बकेट लिया हुआ है उसमें वन टू थ्री ये आता जा रहा है. ये अपने आप यहां पर इसकी वजह से होता रहेगा. अब आपको क्या चेक करना है कि अगर ये बढ़ते बढ़ते फाइव हो गया तब क्या करेंगे, तब हम एक और इफ लगाएंगे. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको कुछ चेक करना है आप एक इफ उठा लीजिए. तो हमने यहां पर चेक किया इफ बैट किल्ड इक्वल टू फाइव. ये हम कैसे चेक कर रहे हैं, ये हम चेक कर रहे हैं क्योंकि ये हरे रंग का ब्लॉक हमें कहीं ना कहीं मिलेगा. हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं ना.
तो ये हरे रंग का कैटेगरी कहां पर है? ऑपरेटर, ये रहा हरा रंग, ये बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। मुझे इक्वलिटी के लिए चेक करना है तो मैंने ये वाला हरे रंग का ब्लॉक उठा लिया, देखिए। और मुझे किसके लिए चेक करना है? फाइव बुलेट्स के लिए, तो मैंने यहां पे फाइव दे दिया, ये दिया मैंने फाइव। ये बैच स्किल्ड हमारा बकेट कहां पर है? आपको याद होगा वेरिएबल्स के अंदर। मैं वेरिएबल्स में क्लिक करता हूं, यहां पे देखिए बैच स्किल्ड मुझे दिखाई दे रहा है, ये मैंने ड्रैग किया, ये रहा बैच स्किल्ड। इसको मैं कहां लगा दूंगा? ये दूसरे वाले स्लॉट में लगा दिया मैंने। तो ये हो गया बैच स्किल्ड जब फाइव के बराबर हो जाए। बैच स्किल्ड जब फाइव के बराबर हो जाए, ये हम क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। तो चेक कैसे करते हैं? इफ से करते हैं। तो जो मैंने इफ लिया हुआ है उसमें मैंने इसको लगा दिया। तो इसका मतलब हो गया, अगर बैच स्किल्ड की वैल्यू हो जाती है फाइव, बढ़ते बढ़ते उधर बुलेट चल रहे हैं, बैच मरते जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते फाइव हो जाएगा, तो क्या होगा? स्विच बैकड्रॉप टू हार्ट। रिमेंबर हार्ट में हमने क्या दिया हुआ था? हार्ट में हमने दिया हुआ था कॉन्ग्रेचुलेशन यू विन। आइए कोडिंग पे आते हैं बैच की। तो यहां पर है देखिए, इफ बैच स्किल्ड इज इक्वल टू फाइव, बैच स्किल्ड बकेट का काउंटर बढ़ते बढ़ते फाइव होता है जैसे ही, वैसे ही क्या होगा? बैकड्रॉप हो जाएगा हार्ट, यू विन वाला आ जाएगा। और स्टॉप ऑल, रिमेंबर स्टॉप ऑल, स्टॉप ऑल करते गेम में सब कुछ रुक जाएगा, प्लेयर गेम जीत गया है, स्टॉप एवरीथिंग। तो अभी इसको देखते हैं एक्सपीरियंस करके। आप देखिएगा बैट फील्ड जब फाइव होता है तब क्या होता है? वन टू थ्री फोर, बैच स्किल्ड फाइव होते ही आपका स्विच बैकड्रॉप क्या हो गया? हार्ट वाला हो गया। ये कैसे हुआ? उस वाले इफ की वजह से जो आपने लगाया हुआ है। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। देखा आपने, तो इस तरह से यहां पर आपका प्रोग्राम पूरा चल रहा है। एवरीथिंग इज कंट्रोल नाउ। आपने स्टेप वाइज सारा देख लिया, गन कैसे हैंडल करेंगे, उसका बैट कैसे हैंडल करेंगे, कैसे वो लाइन से टच होगा तो गेम का बैकड्रॉप स्विच हो जाएगा और गेम स्टॉप हो जाएगा। अगर बैट को गोली लगती है तो बैट किल्ड नाम का हमने एक बकेट लिया हुआ है, उसको वन से हम कैसे बढ़ाएंगे, और जब वो बढ़ते बढ़ते फाइव हो जाएगा तो एक और इफ लेके हमने क्या चेक किया कि यूजर प्लेयर जो है वो जीत गया है, तो बैकड्रॉप को हमने विनिंग वाले बैकड्रॉप से स्विच कर दिया। तो इस तरह से गेम चल रहा है। गेम चलते वक्त आपने देखा होगा बीच में कुछ साउंड्स भी प्ले हो रही हैं। देखिए बिल्कुल सही जगह पर मैंने साउंड्स भी लगाई हुई हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। बुलेट का प्रोग्राम, जब बुलेट का क्लोन बना था तभी देखिए मैंने यहां पर एक साउंड कर रखी है, स्टार्ट साउंड, और मैंने एक साउंड यहां पर रख रखी है, ये मैंने इंटरनेट से ली थी। आप चिंता नहीं करिए, आपको सारी साउंड फाइल्स भी मिल जाएंगी। तो आपको साउंड फाइल्स जब मिल जाएंगी तो आप उसमें एक से एक साउंड है, शिप के उड़ने की साउंड है, बुलेट्स की साउंड है, रोबोट्स के लड़ने की साउंड है, तो सारी साउंड्स मैं आपको दे दूंगा। और वो साउंड अराउंड देर आर 60-70 साउंड, तो वो यूज करके आप अपने गेम्स में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट साउंड एक ब्लॉक लिया है, साउंड ब्लॉक आपको मिलेगा साउंड कैटेगरी में। ये देखिए यहां पर दो है, प्ले साउंड, स्टार्ट साउंड, मैंने स्टार्ट साउंड दिया। ये साउंड हम ऐड कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जब हम साउंड में जाएंगे तो यहां पर आपको साउंड टैब मिलेगी, देखिए साउंड टैब मिली है, ये रही साउंड टैब, ये कॉस्ट्यूम कोड साउंड। साउंड्स में जब आप आएंगे तो यहां पर आपको जितनी भी साउंड्स रखनी है वो आप यहां पे देखिए, आप साउंड्स वाले टैब में आ गए हैं, नीचे एक बटन है जहां से आप साउंड्स ऐड कर सकते हो। तो मैंने तो साउंड इंटरनेट से लाया हुआ था, मैं मेरे पास ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर पर है, तो मैं कहूंगा अपलोड साउंड। तो जब मैं अपलोड साउंड पे क्लिक करूंगा तो ये
पूछेगा कौन सी साउंड मुझे अपलोड करनी है, तो यहां पे मैंने अपनी साउंड रखी हुई है और जो साउंड मुझे चाहिए उस साउंड को मैंने यहां पर सेट किया हुआ। तो ये सारी चार साउंड मेरे पास हैं। मैंने कोड में क्या किया हुआ है, जैसे ही बुलेट बनती है और शूट होती है, एक मैंने साउंड रखी इंपैक्ट। इंपैक्ट साउंड से क्या हो रहा है, वो बुलेट का जो धमाका हो रहा है ना वो इसी से हो रहा है, इंपैक्ट से। अच्छा, फिर हम बैच में चलते हैं। बैच में भी हमने साउंड प्ले करी है। मैंने आपको वो पार्ट नहीं बताया था, अब बता रहा हूं। जैसे ही बैच बुलेट से टच हो रहा है तो क्या हो रहा है, बैच का बैच फील्ड वाला आपका बकेट वन से बढ़ रहा है, आपका ये क्लोन भी डिलीट हो रहा है। लेकिन एक और चीज हो रही है, आपका साउंड एक प्ले हो रहा है। देखिए, स्टार्ट साउंड रेट्रो, रेट्रो वो जो बुलेट लगने पे चमगादड़ जो बैच है वो चिल्ला कर गायब हो रहा है ना, वो इसी वजह से हो रहा है, रेट्रो की वजह से हो रहा है, डिजिटल ईगल। और एक मैंने नीचे रखी है, जब प्लेयर गेम हार जाता है, जब बैट लाइन से टच हो रहा है, तो मैंने प्ले साउंड यहां पे रखा हुआ है। ये प्लेयर के हारने वाला आपका साउंड मैंने रखा है। और अगर प्लेयर जीत गया, तब जीत गया जब बैट फील्ड नाम का जो आपका बकेट है उसमें 5 आ जाएगा। तो जब प्लेयर जीत जाएगा तो क्या होगा, दो चीजें हो रही हैं, आपका बैकड्रॉप चेंज हो रहा है हार्ट में, आपका एक साउंड प्ले हो रहा है मेटल गोंग, वो जो घंटे की आवाज आ रही थी वो इसी वजह से आ रही थी, और फिर सब कुछ रुक जाता है। तो ये आपका जहां जहां पर जरूरी है वहां पर आप साउंड ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे आपने अपनी अपलोड की हुई साउंड आप सेलेक्ट कर लोगे। जो साउंड आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वही प्ले होगी। तो अब मैं फिर से प्ले करता हूं, इस बार आप साउंड पे ध्यान दीजिएगा। बैट के मरने की आवाज, लूज होने की आवाज, गेम लूज कर दिया मैंने उसकी आवाज है, गेम जीतने की आवाज देखते हैं, एक की आवाज, बैट के मरने की आवाज, बैट के मरने की आवाज, बैट के मरने की आवाज। आपने देखा वो जो गोंग की आवाज आ रही थी वो अलग आवाज है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे साउंड ऐड करी हुई है। साउंड कैसे ऐड करते मैंने आपको कैसे बताया, आप साउंड में जाएंगे और यहाँ पर नीचे वाले बटन पे जाके आप साउंड को अपलोड कर लेंगे। आप स्क्रैच में भी बहुत सारी साउंड्स हैं, आप उनको भी ले सकते हो। देखिए, चूज अ साउंड पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारी साउंड्स हैं, वो दिखाई दे रही हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने अपनी साउंड यूज करी हुई है तो इसलिए मैंने अपलोड साउंड यूज किया। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच, थैंक यू टीचर्स, गुड लक, ऑल द बेस्ट। Bye-bye.